हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स और ये वीडियो एकदम इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंटेल के 13 जनरेशन और राइजन के 7000 सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोनों को भिड़ाएंगे आपस में, जानेंगे क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंटेल के 13 जनरेशन को लेने में और एएमडी के 7000 सीरीज को लेने में। क्या आपको 13 जनरेशन बाय करना चाहिए या फिर 7000 सीरीज में से कोई प्रोसेसर बाय करना चाहिए, और साथ में इंटेल के 10th जनरेशन, 11th, 12th जनरेशन और साथ में AMD की 3000 सीरीज, 5000 सीरीज के CPUs के बारे में भी बात करूंगा कि क्या वो अभी भी वर्थ इट है कि नहीं, आपको किन सीरीज को बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए और किन सीरीज को लेना चाहिए, क्यों इंटेल लेना चाहिए, क्यों AMD लेना चाहिए, ये बात करेंगे। और कमेंट्स में नीचे जरूर बताना ये नया सेटअप कैसा लग रहा है फ्रंट टेबल के साथ, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो भी एकदम इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें हम लोग AMD और NVIDIA के GPUs को आपस में क्लैश करवाएंगे और जानेंगे उसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कौन सा GPU आपको लेना चाहिए। तो हमारे चैनल पे ऐसे ही पीसी बिल्ड गाइड्स, पीसी बिल्डिंग टिप्स दी जाती हैं, तो अगर आपको इन सब कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंटेल और AMD ने लास्ट वन मंथ में अपने लेटेस्ट लाइनअप ऑफ CPUs को लॉन्च कर दिया है, इंटेल का 13 जेन और AMD के 7000 सीरीज। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इंटेल का 13 जनरेशन आपको क्यों बाय करना चाहिए, उसमें क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट कि AMD अभी तक जो गेम खेलता था कि वो थ्रेड्स और कोर काउंट्स को बढ़ा देता था, वो गेम इस बार इंटेल ने खेला है और इंटेल ने इस बार डबल ई कोर्स कर दिए हैं हर एक प्रोसेसर के अंदर जो भी अभी तक लॉन्च हुए। तू मेरी नकल करता है। फॉर एग्जाम्पल 13600K में आपको अब 8 इफिशियंसी कोर्स मिलते हैं और साथ में i9 जो 13900K लॉन्च किया है इंटेल ने, उसमें तो 24 कोर्स हैं 32 थ्रेड्स के साथ, जिसमें 8 परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 16 इफिशियंसी कोर्स हैं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। और ऐसा मत समझो कि इफिशियंसी कोर्स है तो उनकी परफॉर्मेंस कम होगी, उनकी परफॉर्मेंस 10th 11th जनरेशन का जो इंटेल का प्रोसेसर था उनके जो कोर्स थे उनके बराबर है। और पी कोर्स का परफॉर्मेंस तो आप लोग जानते ही होंगे बहुत ही जबरदस्त है, एकदम लेटेस्ट AMD को टक्कर देने वाला। वही AMD में आपको क्या मिलता है, वही पुराना 6 कोर 12 थ्रेड्स, राइजन 7 में 8 कोर 16 थ्रेड्स और राइजन 9 में आपको सेम मिलता है वही 16 कोर 32 थ्रेड्स। इसे कहते हैं उल्लू बनाना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है इंटेल के फेवर में प्राइजिंग। प्राइजिंग जो इस बार इंटेल ने रखी है ना, वो एक नंबर। मार्केट में प्रोसेसर्स आ चुके हैं तो प्राइजिंग पता लग गई कि इंडिया में आने के बाद प्राइजिंग कितने पे बिक रहा है, समझ रहे हो। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स के भी प्राइजेस देखे। फॉर एग्जांपल राइजन 5 7600X 28-29,000 का बिक रहा है, 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, बट जो इंटेल का 13600K है वो 33,000 के अराउंड बिक रहा है जिसमें 14 कोर्स है। तो आप सिंपली 3-4,000 एक्स्ट्रा दे के सिंपली 14 कोर्स वाला प्रोसेसर लोगे ना, इंस्टेड ऑफ 6 कोर्स वाला प्रोसेसर। सही पकड़े हैं। और 13600K जो अपने प्रीवियस जेन का फ्लैगशिप था 12900K, उसको आउट परफॉर्म कर जाता है, और 12900K 50,000 के अराउंड आता था और उसी के जैसा सेम परफॉर्मेंस या फिर बेटर थोड़ा परफॉर्मेंस आपको 33,000 में मिल रहा है। बोलने के लिए ये बस i5 है लेकिन काम है i9 वाले, क्योंकि कोर्स बढ़ा दिए हैं इंटेल ने और साथ में प्राइसिंग भी एकदम जबरदस्त आई है। AMD कहीं पे भी नहीं टिक रहा प्राइसिंग के फैक्टर में। और हम लोगों ने देखा है कि लास्ट फ्यू इयर्स में AMD जब से सक्सेस की तरफ बढ़ा है तब से उन्होंने अपने प्रोसेसर की प्राइसिंग बहुत ही बढ़ा दी है। मतलब उनको लगता है कि भाई कितने पे भी प्रोसेसर बेचो, अच्छा परफॉर्मेंस है तो बिकेगा ही। दैट्स नॉट द केस दिस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्वियसली ज्यादा कोर्स है इंटेल के 13 जनरेशन में, तो ऑब्वियसली मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा AMD के प्रोसेसर्स के मुकाबले। AMD बहुत ही नीचे रह जाता है इंटेल से। इवन मल्टी कोर परफॉर्मेंस में इंटेल का 13600K राइजन के 7700X को पीछे छोड़ देता है, और राइजन 7700X 8 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है और आता है ऑलमोस्ट 38-37,000 का। सो 4-5,000 कम पे करके आपको इंटेल के 13600K में ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है। और सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से इंटेल इस 13 जनरेशन की सीरीज में वैल्यू फॉर मनी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो आप 12th जन के मदरबोर्ड्स जो H610 है, B660, इन सब मदरबोर्ड्स में ही आप सेम 13 जन का प्रोसेसर लगाकर आप चला सकते हो, क्योंकि सेम LGA 1700 सॉकेट पे ही 13 जन बेस्ड है। और सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटेल ने DDR
DDR4 RAM का भी सपोर्ट दिया है इस बार 13 जनरेशन में, और साथ में DDR5 तो है ही, तो जो बजट गेमर्स हैं वो DDR4 ही लगाएंगे ना, क्योंकि DDR5 की तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट डबल चल रही है DDR4 से। एंड मैंने जितने भी बेंचमार्क्स देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि DDR5 में मोस्टली 5-10% का ही परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट आता है गेम्स के FPS में, और प्राइस आप डबल पे कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है बजट गेमर के लिए। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है कि इंटेल में DDR4 का भी सपोर्ट है 13 जेन में, वेयर एज AMD ने अपना सॉकेट बदल दिया, अभी तो AM4 से AM5 पे चले गए जिसमें सिर्फ DDR5 RAM का सपोर्ट है। और एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई DDR4 का सपोर्ट दे दिया उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब DDR4 का सपोर्ट आपको लेटेस्ट CPUs में नेक्स्ट जनरेशन में नहीं मिलेगा ना, तब आप समझोगे DDR4 की वैल्यू। जब तक चीज़ें रहती हैं तब तक समझ में नहीं आती उनकी वैल्यू, जब चली जाएंगी नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में इंटेल का जो 14th जनरेशन आएगा उसमें इंटेल का सॉकेट भी चेंज हो जाएगा और साथ में सिर्फ DDR5 का ही सपोर्ट रहेगा। और AMD तो ऑलरेडी DDR5 पे मूव कर ही चुका है। आई नो DDR5 इज द फ्यूचर, लेकिन DDR4 बजट गेमर्स के लिए सही था क्योंकि प्राइसेस बहुत ही कम हो गए हैं DDR4 RAM के जब से DDR5 आया है। तो अभी तो वो कंपल्शन नहीं है इंटेल में कि DDR5 RAM ही लगानी है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में इंटेल और AMD के आपको DDR5 RAM का ही सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी और प्लेटफॉर्म कॉस्ट के हिसाब से देखें तो इंटेल विन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि CPU भी सस्ते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हो आप 12th जनरेशन से 13th जनरेशन पे, कोर्स भी आपको ज्यादा मिल रहे हैं, साथ में DDR4 का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो बेसिक जो एक CPU मदरबोर्ड का कॉम्बो होता है वो अच्छा मिल रहा है AMD के मुकाबले। जैसे CPU हो गया आपका 13600K, साथ में आप एक अच्छा सा B660M मदरबोर्ड ले लोगे या फिर आपके पास पहले से ही होगा वो अराउंड 15,000 का, तो ओवरऑल कॉस्ट इज अराउंड 50,000। वहीं पे AMD में आप 14 कोर्स का प्रोसेसर लेने जाओगे, 14 कोर्स थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर आप 7900X भी लेने जाते हो जो कि 12 कोर्स 24 थ्रेड्स का है, तो उसकी प्राइस इन्होंने रखी है $549 और इंडिया में आते आते ये अभी बिक रहा है 51-52,000 का, और प्लस मदरबोर्ड भी आप लोगे फिर उसमें अच्छा सा 25-30,000 का, तो आराम से ये 70-80,000 का कॉस्ट पड़ जाएगा आपको मदरबोर्ड प्लस CPU कॉम्बो का। यहाँ पर इंटेल का आपको 50,000 ही पड़ रहा था, तो इंटेल इज मोर वैल्यू फॉर मनी राइट नाउ। अब आ जाते हैं कि आपको क्यों इंटेल को डिच कर देना चाहिए और AMD के प्रोसेसर्स को क्यों लेना चाहिए 7000 सीरीज वाले। फर्स्ट एडवांटेज इज कि आप AM5 प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है, और AMD क्लेम कर रहा है कि वो एटलीस्ट 2025 तक इस सॉकेट को ही रिटेन करेगा, और अगर आपने कोई भी AM5 वाला मदरबोर्ड अगर ले रखा है तो आप फ्यूचर के 3-4 जनरेशन के प्रोसेसर उसी में अपग्रेड करके लगा पाओगे, BIOS अपडेट करके ही उसी मदरबोर्ड में लगा पाओगे, सिमिलर टू AM4 जो कि पिछले 5 सालों से चला आ रहा है। अभी जैसे मैंने B450 स्टील लेजेंड खरीद लिया और Ryzen 5 3600 मेरा उसमें लगा हुआ है, अब मैं चाहूं तो Ryzen 5 5600X 5700X तक अपग्रेड कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग माई मदरबोर्ड, BIOS अपडेट करना होगा मुझे एंड आई एम गुड टू गो एज लॉन्ग एज द VRM टेम्परेचर्स आर इन कंट्रोल। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो किसी को एडवांटेज लग भी सकता है, किसी को डिसएडवांटेज भी लग सकता है, जो कि है DDR5 RAM अगर आपने एक बार परचेज कर लिया तो आप फ्यूचर रेडी हो जाओगे। अच्छा हमको सिखा दिया है कि DDR5 इज द फ्यूचर, जैसे मैंने पहले ही बताया, और RAM ऐसा कॉम्पोनेंट है कि वो खराब भी नहीं होता, और साथ में किसी किसी RAM पे तो 10 ईयर्स की वारंटी होती है या फिर लाइफ टाइम वारंटी होती है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करके DDR5 RAM खरीद लिया तो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आपको अपग्रेड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी उसमें। अगेन अभी जो भी प्रोसेसर्स या फिर मदरबोर्ड्स आ रहे हैं वो DDR5 RAM के स्पीड का लेटेंसी का उतना फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि अभी DDR5 इज न्यू, ऑल्दो 1-1.5 साल हो चुका है आए हुए, लेकिन हम लोग होप कर रहे हैं कि DDR5 RAM का फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर्स आगे बने और इंप्लीमेंट हो। और नेक्स्ट पॉइंट तो आप जानते ही होंगे कि AMD का अगर आप CPU और साथ में GPU एक साथ पेयर करके लगाते हो, वो भी B550 मदरबोर्ड्स या फिर उनसे अपर टियर के जो मदरबोर्ड्स आते हैं उसमें, तो आपको इन्फिनिटी कैश का फायदा मिलता है जिससे आपको अप टू 15% का परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट मिल जाता है। बट कंडीशन ये है कि एटलीस्ट आपके पास 5000 सीरीज वाला प्रोसेसर होना चाहिए AMD का, B550 मदरबोर्ड होना चाहिए एटलीस्ट, और साथ में AMD के 6000 सीरीज के GPUs। अब इन दोनों पॉइंट्स के कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको 13 जनरेशन बाय करना चाहिए या 7000 सीरीज बाय करना चाहिए।
अब अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हो, मे बी अभी से 5 to 6 मंथ्स या 3-4 मंथ्स बाद, जब इंटेल ने अपने 13 जनरेशन के लोअर एंड प्रोसेसर लॉन्च कर दिए होंगे, 13400F या फिर 13100F, तो आई वुड से 13 जनरेशन पे ही स्विच करना। AMD इज नॉट लुकिंग वैल्यू फॉर मनी फॉर बजट गेमर्स राइट नाउ, वेयर एज इंटेल हर 2 जनरेशन में अपने सॉकेट्स चेंज कर देता है। तो नेक्स्ट जो 14 जनरेशन का प्रोसेसर आएगा इंटेल का, उसमें आपको नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। तो सीपीयू अपग्रेड का जो पाथ है वो इंटेल में अभी तो खुला नहीं है। ऑल्सो अगर आप AMD इंटेल इनमें से कुछ भी ले रहे हो और हायर एंड प्रोसेसर ले रहे हो, जैसे i9 या फिर Ryzen 9, तो आपको एक अच्छे क्वालिटी का 360mm का लिक्विड कूलर बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके टेम्परेचर्स में देख रहा था 95 डिग्री जो TJ Maxx है AMD के प्रोसेसर्स का, और साथ में इंटेल का 100 डिग्री, ये दोनों 95 डिग्री और 100 डिग्री टच करते हैं 360mm के कूलर पे भी। और लास्ट में प्लेटफॉर्म कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटेल में देखो, आपको मदरबोर्ड अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, मदरबोर्ड सस्ते भी आते हैं अगर आप नए खरीदोगे, H610 B660, साथ में DDR4 का भी सपोर्ट है। वेयर एज AMD में आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, एक तो प्रोसेसर्स महंगे हैं इंटेल के मुकाबले, साथ में कम कोर्स और थ्रेड काउंट्स हैं। 2650 जो मदरबोर्ड्स आएंगे वो ऑलमोस्ट 18,000 to 20,000 से स्टार्ट होंगे, कुछ भी। Whereas Intel में 10,000 में आपको decent B660 motherboard मिल जाता है, और साथ में आपको AMD में DDR5 ही लेना पड़ेगा। और foreigners जो use करते हैं वहाँ पे temperature ambient 20-25 degree रहता है, यहाँ पे Indian summers की बात करें तो 35 degree 40 degree आराम से पहुँच जाता है summers में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर higher end processor ले रहे हो तो उनके temperature आसमान छू जाएंगे, कहीं फट ना जाए gigawatt के PSU जैसा। अब आ जाते हैं बजट गेमर्स के तरफ कि 10th जनरेशन इंटेल का 11th 12th जनरेशन ये अभी भी वर्थ इट है कि नहीं। 10th जनरेशन तो देखो भाई, मैं अभी बोलूंगा बिल्कुल स्किप कर दो, वो बहुत पुराना हो चुका है। 11th जनरेशन आप तभी लेना, वो भी i5 लेना बस, i9 तो 11th जनरेशन का एकदम कचरा था। 11 जनरेशन का आप i5-11400F ले सकते हो, अगर आप 12400F प्लस उसके मदरबोर्ड का कॉस्ट अगर आप बियर नहीं कर सकते, थोड़ा कम बजट है आपका, तो 11400F आप ले सकते हो। साथ में 12th जनरेशन तो लेटेस्ट है ही और वैल्यू फॉर मनी भी है, और इंटेल ने अभी तक अपना 13400F या 13100F लॉन्च नहीं किया है लोअर एंड CPUs, तो आप अभी अगर आपको अर्जेंट है 11400F आप ले सकते हो। अब अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो, जैसे 3-4 मंथ्स या फिर उससे बाद में, रेट देख लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में। जब तक इंटेल ने अपना 13400F और 13100F होपफुली लॉन्च कर दिया होगा, तो आप 13 जनरेशन के साथ ही जाना अगर आप 12th जनरेशन पे जाने वाले हो तो, अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो। 13400F या फिर 13100F होपफुली इंटेल लॉन्च करे 13100F, क्योंकि 11 जनरेशन में देर वॉज नो i3। अब बात कर लेते हैं AMD फैन बॉयज के, क्योंकि वो सिर्फ Ryzen के प्रोसेसर्स खरीदने चाहते हैं। मैं आपको कहूंगा अवॉइड 3000 सीरीज राइट नाउ, बहुत पुरानी हो चुकी है। एटलीस्ट आपको 5000 सीरीज पे जाना चाहिए। अगर आप Ryzen 5 3600 खरीदने जा रहे थे तो वो अराउंड 11-12,000 अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिल रहा है। आप अपना थोड़ा बजट बढ़ाओ और एटलीस्ट Ryzen 5 5500 ले लो, जो कि अराउंड 14-15,000 के आसपास मिल जाएगा आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। और मजेदार बात यह है कि आपका सेम AM4 सॉकेट पे ही लग जाएगा, वो सस्ता सा एक एंट्री लेवल B450 मदरबोर्ड ले लेना, जैसे गीगाबाइट का आता है B450M DS3H, 6000 के अराउंड ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप 3000 सीरीज का 6 कोर 12 थ्रेड्स का Ryzen 5 3600 लेने का सोच रहे थे, तो एटलीस्ट अपना बजट बढ़ा के 3-4000 5500 के साथ चले जाना। आपका परफॉर्मेंस भी गेन हो जाएगा अप टू 20-25% IPC गेन, साथ में 5000 सीरीज पे भी आप चले गए BIOS अपग्रेड करके। और अगर आप थोड़ा हायर कोर काउंट वाला प्रोसेसर लेने वाले थे 5000 सीरीज से, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, वो अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे प्रोसेसर्स हैं। AM4 प्लेटफॉर्म और 5000 सीरीज AMD की अभी 4-5 साल चलने वाली है आराम से। तो जिनका बजट थोड़ा लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, मिड रेंजर है, 60-70,000 का 80,000 का, वो सब इन प्रोसेसर को देख सकते हैं अगर आप AMD फैन बॉय हो तो। भाई पहली बार हो रहा है कोरोना काल के बाद में कि इतना कंपटीशन देखने को मिल रहा है हम लोगों को, उससे किसका फायदा होता है? ऑफ कोर्स कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का, आपका और हमारा भी। कंपटीशन, ब्रांड्स डोंट लाइक कंपटीशन, बट कस्टमर्स लाइक कंपटीशन, कस्टमर्स कैंट अवॉइड इट। तू मेरी नकल करता है।
RGB, इन्हीं से तो दुनिया चलती है। R for Red AMD, G for Green NVIDIA and B for Blue Intel। अगर ये नहीं होते तो क्या होता हमारा, क्योंकि RGB gives more performance, 100+ FPS। पहले भाई कोई कंपटीशन नहीं था, कोरोना चल रहा था। अभी देखो, फॉर एग्जांपल जब इंटेल ने अपना 11th जेन लॉन्च किया था और AMD ने अपना 5000 सीरीज, तो 5000 सीरीज वाज अ बिग सक्सेस। और इंटेल का 11 जनरेशन एकदम कूड़े कबाड़ में चला गया था। i9 का तो पूछो ही मत, 8 कोर 16 थ्रेड्स का था, एकदम कचरा प्रोसेसर। लेकिन उसके बाद इंटेल ने अपना कमबैक किया 12th जनरेशन में, AMD के 5000 सीरीज को कड़ी टक्कर दी, उससे आगे भी निकल गए। और राइट नाउ दोनों ने लॉन्च किया है अपना 13th जेन 7000 सीरीज, दोनों कड़े टक्कर के हैं। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, जो मैंने आपको बताया। पहले हम कंज्यूमर्स के पास इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं थे 2-3 साल पहले, लेकिन अब ऑप्शन ही ऑप्शन है CPU मार्केट में। 11th जनरेशन है, 12th जनरेशन, 13th जनरेशन, AMD के तरफ से 3000 सीरीज, 5000 सीरीज, 7000 सीरीज, आलू गोभी टमाटर मटर, एकदम बजट से लेके मिड रेंज हाई लेवल तक ऑप्शन से ऑप्शन से आप जो चूज करना चाहो चूज कर सकते हो। तो ये कंपटीशन हमेशा बना रहना चाहिए तीनों RGB के बीच में, तभी आप लोगों का, कंज्यूमर्स का, हमारा फायदा होगा। अभी आगे इंटेल अपना 14th जेन निकालेगा विद DDR5 और AMD भी अपना 7000 सीरीज में 3D वाले CPUs निकालेगा विद 3D V-Cache, तब मजा आएगा, तब कड़ी टक्कर और होने वाली है ब्लू और रेड टीम के बीच में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है PC से रिलेटेड, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, उसमें हम लोग भिड़ाएंगे AMD के 7000 सीरीज GPU को NVIDIA के 4000 सीरीज GPUs के साथ, और उसमें भी प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा मैं कि क्या आपको प्रेफर करना चाहिए। उस वीडियो को अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है तो मेरा गेमिंग चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आइकॉन आ रहा होगा, चेकआउट कर लेना वीडियोस को, अगर गेमिंग वीडियोस अच्छे लगे मेरे चैनल के तभी सब्सक्राइब करना, यहाँ पर आई कार्ड में लिंक भी आ रहा होगा। मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और जाते जाते यही बोलूंगा कि कॉम्पिटिशन कायम रहे हमेशा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।